नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केले की फूल की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। ये जो आप देख रहे हैं, ये केले का फूल है। इसकी हम लगभग 8 से 9 परतें हटा लेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये अंदर का सॉफ्ट पार्ट है, आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो ये दो तरह से बनता है, एक फूल का सब्ज़ी बनाते हैं और एक कवर के साथ सब्ज़ी बनाते हैं। इसे हम दो भागों में बांट लेंगे। थोड़ा सख्त होता है ये, तो इसे आप आराम से काटें। और ये जो हिस्सा है, इसे हम हटा लेंगे। इसे हम बिल्कुल इस तरह से काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद है, कुछ ही देर में ये हल्का काला पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस टाइम पे बिल्कुल खाएं, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी को ये बहुत अच्छा रखता है। ये जो सब्ज़ी है थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट, आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसे काटना काफ़ी आसान है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये लगभग कट के तैयार है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसे भी हम बिल्कुल सेम तरीके से काट लेंगे। इसे 5 घंटे तक हम पानी में भिगो के रखेंगे, ताकि इसका जो कसैलापन है वो हट जाए। ये जो दूसरा भाग है, इसे भी हम उसी तरीके से अच्छे से काट के पानी में भिगो देंगे। ये लाल चना है 1/2 कप, इसे भी हम अच्छे से पानी में भिगो देंगे लगभग 5 घंटे के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है। इस सब्ज़ी को सरसों तेल में बनाते हैं। सरसों तेल में बनाने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ये ज़ीरा चटक जाए, तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ का प्याज है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे काट सकते हैं। और ये 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से दें। जब तक ये प्याज भुन रहा है, हम लहसुन को क्रश कर लेंगे। ये 1 पॉड लहसुन है, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस इसे क्रश करेंगे। प्याज भुन गया है, हमें ज़्यादा नहीं भुनना है प्याज को। ये देखिए, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद इसे हम लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसमें ये लाल चना ऐड करेंगे, जिसे हमने भिगो के रखा था। इसे भी लगभग 1 मिनट तक हम चलाएंगे। अब इस कटी हुई सब्ज़ी को हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे।
ताकि सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार दें। फ्लेम को लो पे रखें, मीडियम टू लो, और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। इसे ढक देंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। और इसे हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। देखिए अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। इसे कुछ देर तक और भूनेंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये आधा छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ करेंगे। हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे पूरी, पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।